पठानकोट में आज ज्वाइंट कमिश्नर सुरजीत सिंह की ओर से शहर की सफाई व्यवस्था को जांचने के लिए चेकिंग की गई। इस मौके पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और डिप्टी कमिश्नर कम निगम कमिश्नर के दिशा निर्देशों के तहत आज शहर में अलग अलग जगहों पर सफाई व्यवस्था की जांच की गई है और जहां पर सफाई नहीं हो रही वहां पर सफाई करवाई जा रही है। जल्द ही पूरे शहर में सफाई व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा और वह लोगों से अपील करते हैं कि खुले में पूरा कूड़ा करकट ना फेंकें, अन्यथा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार अते मानयोग डिप्टी कमिश्नर कम कमिश्नर नगर निगम पठानकोट जी के दिशा निर्देशों के अनुसार असी अज जिहड़ा हैगा पठानकोट शहर दीआं जिहड़ीआं मेन रोड्स हैगीआं ने वो उन्हां नूं विजिबली जिहड़ा हैगा क्लीनिंग उन्हां दी असी जिहड़ीआं इंश्योर करन लई सारा चैकिंग कर रहे हैं। इहदे विच असी सारा ढांगू रोड यह जी हैगी गांधी चौंक के लागे सैली रोड ये सारिया सड़कों पर जाके असी जिन्हें भी साढ़े स्पॉट्स ने जिते कोई अज तक सफाई नहीं हुई बहुत ज़्यादा गंद पिया हो वो असी डिटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने आने वाले दिनों के असी बिल्कुल साफ करके जोड़ा है शहर में साफ सुथरा बनाने की कोशिश करा तो मैं शहर वासियों अपील करना कि अपना जोड़ा है साफ सफाई का नगर निगम को जोड़ा है पूरा सहयोग देन ते खासकर दुकानदारा जिन्हें भी अपने हैगे ने क्योंकि अजक त्यौहारों का दिन हैगा है त्यौहारों के जोड़ा है बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट हो जाता है। तो मेरी यही इन्हों गुजारिश है कि अपने अपने जोड़े डस्टबिन लगा जरूर से कारपोरेशन की जी गई गड्डी आके जोड़ा है वह इन्होंने कोलों कलैक्ट कर ली कर लेगी तो सड़कों के बच्चे ना क्योंकि साढ़े जोड़े वर्कर ने वह सवेरे सवेरे सफाई कर जाते हैं तो लिफ्टिंग भी हो जाती है जो दुकाना खोलते हैं 10 बजे ये सारिया जिन्हें भी है कूड़ा अपना दुकान का कट के सड़क के लिया के सुट देंगे। इस करके मेरी इन्हों जी हैगी है अपील हैगी है गुजारिश है हाथ जोड़ के बेनती है भी साडा साथ देन कि असी जरा पठानकोट शहर में साफ सुथरा क्लीन एंड ग्रीन बना सकते। थैंक यू। ज़्यादा हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल बहुत महंगा गलत। आप सारिया जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनाओ बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा लाभ फ्री करेगा। धन्यवाद।